और इन बर्बादियों को बढ़ाने के लिए कुछ नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों की सरकार नए नए कानून बनाती थी किसानों को बर्बाद करने के लिए, वैसे ही अब नए नए कानून फिर किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कानून इस देश में बन गया है। सन 1994 के साल में 15 दिसंबर को भारत सरकार ने गैट करार पर हस्ताक्षर कर दिया। अब इस गैट करार पर हस्ताक्षर होने के बाद तो किसानों की हालत और बराबर गिरती चली जा रही है, बर्बादी की तरफ जाती चली जा रही है। गैट करार जो हस्ताक्षर किया गया 15 दिसंबर 1994 को, वो है क्या? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में काफी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को आज मैं आपको दूर करना चाहता हूं। ये गैट करार है क्या? हम लोग, आप लोग अगर समझ सकें तो किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। गैट करार एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा समझौता है जिसको भारत सरकार ने किया है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर। यह समझौता क्या है, यह क्या करता है समझौता, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह की बातें इसमें दी गई है, किस तरह की बातें लिखी गई है? मैं पहले तो आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि यह गैट क्या है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो सारी दुनिया में बर्बादी दिखाई दे रही थी। यूरोप के देश बर्बाद हो गए थे जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, बहुत सारे दूसरे देश बर्बाद हो गए थे जो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। तो उस बर्बादी को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड बैंक। इसका एक दूसरा नाम भी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और उसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। यह क्यों बनाई गई संस्था? यह बनाई गई जिन देशों में बर्बादी आई है उन देश के लोगों को अगर लोन चाहिए प्रोजेक्ट चलाने के लिए, परियोजनाएं चलाने के लिए, सरकारों को कर्जा चाहिए तो सरकारें वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकें, जो सरकारें बर्बाद हो चुकी थी, जो देश बर्बाद हो चुके। फिर उसी के साथ साथ एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जिम्मेदारी क्या दी गई थी? दुनिया के तमाम देशों को अपने कर्जे के तात्कालिक ब्याज चुकाने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसके लिए बनाया गया। वर्ल्ड बैंक बनाया गया बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कर्ज लेने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया तत्काल किसी देश को भुगतान की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, पैसा नहीं है उनके पास भुगतान करने के लिए, तो आईएमएफ बनाया गया तत्काल कर्ज देने के लिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अलावा एक तीसरी संस्था और बनाई गई जिसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और ये गैट संस्था की जिम्मेदारी क्या तय की गई? इसकी जिम्मेदारी यह तय की गई तो दुनिया के देशों में माल बिकने के लिए जाता है, किसी एक देश का माल किसी दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का माल किसी तीसरे देश में जाता है, तो यह दुनिया के तमाम देशों के माल एक दूसरे के देशों में जब बिकने के लिए जाते हैं तो उनमें अक्सर झगड़े होते रहते हैं। कोई देश किसी परदेशी देश के माल पर टैक्स बढ़ा देता है, कोई देश किसी दूसरे परदेशी देश के माल पर टैक्स बढ़ा देता है, तो इस तरह के टैक्स के झगड़े होते हैं, टैरिफ के झगड़े होते हैं, नॉन टैरिफ के झगड़े होते हैं। कोई देश कहता है हमको इतना ही माल चाहिए तो जबरदस्ती दूसरा देश बेचने की कोशिश करता है, तो इस तरह के जो झगड़े होते हैं इन झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो टैक्स के होने वाले झगड़े, टैरिफ के होने वाले झगड़े, वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क के होने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए यह संस्था बनी, और जब से यह संस्था बनी तब से भारत इसका सदस्य रहा। अंग्रेजों ने और अमरीका ने और यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर यह गैट का निर्माण किया, और भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था 1945-46 में। तो अंग्रेजों ने जैसा तय कर दिया भारत ने वैसा माना, अंग्रेज चले गए और उन्होंने गैट नाम की संस्था में मेंबरशिप ले ली और भारत को भी जबरदस्ती गैट का मेंबर बना दिया। भारत जब गैट का मेंबर हो गया तो उसके बाद आजादी के तुरंत बाद इस देश में बहस हुई, और बहस के समय यह तय किया गया कि अभी भारत मेंबर बन गया है तो बन जाने दो, क्योंकि इससे कुछ खास नुकसान तो होता नहीं। उस समय गैट के कानून क्या थे कि कोई भी देश का व्यापार किसी दूसरे देश के साथ होगा तो उस व्यापार में जो झगड़ा होगा टैरिफ का या झगड़ा होगा नॉन टैरिफ का, तो उन्हीं झगड़ों का निपटारा करने के लिए यह संस्था काम करेगी, बाकी इस संस्था की कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होगी। और इस तरह से गैट का काम चलना शुरू हुआ। एक नियम उसमें यह रखा गया था कि कोई देश का आंतरिक कानून और गैट के बनाए गए किसी कानून में अगर झगड़ा होगा तो देश का आंतरिक कानून लागू किया जाएगा, गैट का कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो किसी देश की सीमा जब शुरू होती थी तो गैट का कानून वहां पर खत्म होता था, तो देशों की सीमा के अंदर गैट के कानून कभी लगा नहीं करते थे, देश की सीमा के बाहर जो ट्रेड का मामला है सिर्फ उसी में कानून लगा करते। तो इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई।
और लगातार चलती रही। 10 साल चली, 15 साल चली, 20 साल चली, 25 साल चली, 30 साल चली। उसके बाद धीरे धीरे इस गेट नाम की संस्था को बदलने का एक अभियान अमरीका ने शुरू किया। अमरीका ने क्या किया, 1970 और 1980 के दशक में अमरीका के बाजार में थोड़ी मंदी आ गई, यूरोप के बाजार में भी मंदी आ गई। और यूरोप और अमरीका के बाजार में जब मंदी आई थोड़ी सी, तो अमरीका और यूरोप के अर्थशास्त्रियों ने और वहां की सरकारों ने यह विचार करना शुरू किया कि हमारे बाजार की मंदी को अगर दूर करना है तो हमारे सामान दुनिया के तमाम दूसरे देशों के बाजारों में ज्यादा से ज्यादा बिकने चाहिए। तो अमरीका का माल दूसरे देशों में बिकना चाहिए, यूरोप का माल दूसरे देशों में बिकना चाहिए। हालांकि उसके पहले भी बिकता था, अमरीका का माल दूसरे देशों में, जापान का माल दूसरे देशों में, यूरोप का माल दूसरे देशों में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए, इस तरह की बात करना शुरू किया अमरीकी सरकार ने और यूरोपियन सरकारों ने। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दुनिया के दूसरे देशों के बाजारों को खुलवाना है अपना माल बेचने के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कानून बनवाने पड़ेंगे। तो अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने गैस नाम की संस्था का दुरुपयोग करना शुरू किया इस काम के लिए। गैस में पहले जो कानून बनाए गए थे कि गैस में यह नियम था कि किसी भी देश के आंतरिक कानून में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप गैस नहीं करेगा। फिर अमेरिका ने ऐसी व्यवस्था बनाना शुरू किया कि गैस नाम की संस्था के नियम किसी देश के आंतरिक कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकते, और आंतरिक कानूनों में किसी देश में हस्तक्षेप करके उन देश के कानूनों को बदलवाकर अपने देश का माल उन देशों में बिकवाकर कोई नई व्यवस्था बना दी जाए। इसके चक्कर में अमेरिका और यूरोप के देश लगे रहे और उन्होंने उसमें थोड़ी सफलता हासिल की। 1986 के साल में गेट की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अमेरिका और यूरोप के देशों ने यह कहना शुरू किया कि अभी हम सारी दुनिया के देशों में अपना माल बेचना चाहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाए, गैट के नियमों को बदल दिया जाए। तो गैट के नियमों को बदलने के लिए फिर अभियान शुरू हुआ और उस अभियान में अमेरिका के साथ यूरोप के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए। तो पहले जो गैट नाम की संस्था और उसका नियम चलता था उसको पूरी तरह से बदल दिया गया, और जिस व्यक्ति ने यह नियमों का बदलाव किया उसका नाम था आर्थर डंकन, वो उस समय गैट का महानिदेशक था। तो आर्थर डंकन ने नए नियम बना दिए और नए नियम बनाकर दुनिया के तमाम देशों के सामने रखे कि अभी आपको अगर गैट में शामिल होना है तो इन नए नियमों को मानना पड़ेगा, और वो नियम अमेरिका के हित में बनाए गए थे, यूरोप के हित में बनाए गए थे। तो जब नए नियम बनाना शुरू किया तो डंकन ने जिस तरह के नियम बनाए और वो ड्राफ्ट तैयार किया तो उस ड्राफ्ट का नाम पड़ गया डंकन ड्राफ्ट, डंकन प्रस्ताव। और डंकन प्रस्ताव को दुनिया के तमाम देशों के सामने पेश किया गया, या तो आप इस बनाए गए नए ड्राफ्ट को, नए नियमों को पूरी तरह से स्वीकार करिए या इसको पूरी तरह से आप रिजेक्ट कर दीजिए, और आप अगर रिजेक्ट कर देंगे तो गैट के मेंबर नहीं रहेंगे, स्वीकार करेंगे तो नए नियम आपके देश का नुकसान करेंगे। ऐसी स्थिति आ गई भारत के सामने। तो उस समय जो भारत की सरकार थी 1986-1987 के साल में, उस सरकार ने पूरी तरह से घोषणा की कि हम गैट करार को मानेंगे नहीं। और फिर बाद में भारत के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से। तो भारत सरकार ने एक काम किया कि भारत के कुछ सचिवों की एक समिति बनाई और उस समिति को यह कहा गया कि आप इसका अध्ययन करिए। तो भारत सरकार के कुछ सचिवों ने उसका अध्ययन किया प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, और उसमें से नतीजा यह निकला कि यह गैट करार अच्छा नहीं है, देश के लिए बहुत खराब। बाद में भारत सरकार ने हमारे देश के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर एक समिति बनाई थी गैट करार का अध्ययन करने के लिए, और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था श्री इंद्र कुमार गुजराल को। तो इंद्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में पूरी तरह से कहा उन्होंने कि ये गैट करार बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है, इसको पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा बनाई गई संसदीय समिति ने पूरी तरह से गैट करार को रिजेक्ट करने की बात कही, उसके बावजूद भारत सरकार ने 15 दिसंबर 1994 को गैट करार पर हस्ताक्षर कर दिए। और गैट करार पर हस्ताक्षर करते समय देश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया, और वो झूठ क्या बोला गया, भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब गैट करार लागू हो जाएगा पूरी दुनिया में तो सारी दुनिया का व्यापार $240 अरब बन जाएगा, और सारी दुनिया का व्यापार जब $240 अरब बढ़ जाएगा तो भारत का व्यापार भी कम से कम $5 अरब तो बढ़ ही जाएगा, भारत का निर्यात $5 अरब ज्यादा हो जाएगा। और आपको अगर याद होगा
कि जिस समय भारत सरकार ने गैस करार पर हस्ताक्षर किया था उस समय रोज टेलीविजन पर इस तरह के कार्यक्रम आते थे गैस करार के समर्थन में, तो सरकार कभी एक को बिठाती थी कभी दूसरे को बिठाती थी, और सरकारी जो भोपू होते थे जो सरकारी चाकूकार होते थे वो टेलीविजन पर के बताते थे गांव के किसानों को कि आपका बहुत फायदा होने वाला है, आपका निर्यात बढ़ने वाला है, किसानों को बहुत मदद होने वाली है, किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, और इस तरह से पूरे देश में गैस करार विरोधी जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको धीरे धीरे खत्म करने का काम टेलीविजन के माध्यम से सरकार ने किया। और इस तरह से भारत की सरकार ने किसानों को और देश के लोगों को गुमराह किया कि 240 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ेगा पूरी दुनिया का, भारत का व्यापार 5 से 6 अरब डॉलर का बढ़ेगा, भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, भारत के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, भारत के किसानों का निर्यात बढ़ेगा, इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। आज गैस करार को लागू हुए 4 साल हो गए हैं और 4 साल लागू होने के बाद स्थिति क्या है, 4 साल लागू होने के बाद स्थिति बिल्कुल उल्टी है। पूरी दुनिया में किसी भी स्तर पर 240 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ा नहीं है, बल्कि भयंकर मंदी आ गई है पूरी दुनिया में। गैस करार लागू होने के बाद जो व्यापार बढ़ने की बात कही जा रही थी बिल्कुल उल्टी बात साबित हुई है, व्यापार बढ़ा नहीं है, व्यापार बहुत कम हो गया है। और पूरी दुनिया में व्यापार जब कम हो जाता है, माल की खरीद और बिक्री कम हो जाती है, तभी मंदी आती है। इस समय पूरी दुनिया में भयंकर मंदी चल रही है, अमेरिका में भी मंदी चल रही है, यूरोप में भी मंदी चल रही है, खुद भारत में भयंकर मंदी चल रही है। तो इतना बड़ा झूठ इस देश के लोगों से बोला गया कि 240 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ेगा, भारत का व्यापार 5 से 6 अरब डॉलर का बढ़ेगा, वो तो कहीं हुआ नहीं, बल्कि स्थिति उल्टी हो गई। स्थिति ये हो गई है कि भारत का निर्यात पहले जितना होता था उसमें 5 अरब डॉलर का निर्यात कम हो गया। जो 5 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ने की बात कही जाती थी गैस करार लागू होने से, वो 5 अरब डॉलर का निर्यात अभी कम हो गया। और हम लोग पहले से ही इस बात को बोलते थे, आजादी बचाओ आंदोलन ने बहुत पहले से इस बात को कहा था कि गैस करार लागू होने से किसी भी किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला, भारत के किसी उद्योग को कोई फायदा होने वाला नहीं, भारत के किसी व्यापार का कोई फायदा होने वाला नहीं, बल्कि किसानों को नुकसान होगा, उद्योगों को नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा। और क्या क्या नुकसान होंगे, किस तरह के नुकसान होंगे, उसको बताने के लिए मैं अपने साथ गैस करार की कॉपी लेकर आया हूं। और इस गैस करार में लिखा हुआ क्या है, मैं आपको 2-3 बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि गैस करार में वास्तव में क्या लिखा हुआ। बहुत बार लोगों को गलतफहमी रहती है, किसी ने गैस करार देखा नहीं और वो गैस करार पे भाषण देना शुरू कर देता है कि ये बहुत अच्छा है देश के लिए, अखबारों में कहीं छप गया उसके आधार पर बोलना शुरू कर दिया कि गैस करार बहुत अच्छा है देश के लिए। तो वास्तव में गैस करार कितना खतरनाक है, कितना खराब है इस देश के लिए, उसके लिए मैं आपको 1-2 प्रमाण देना चाहता हूं। गैस करार का जो एग्रीमेंट है, जो गैस एग्रीमेंट है, वो मेरे पास था और इस एग्रीमेंट में से मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट अंग्रेजी में लिखा गया और इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में करीब 550 से ज्यादा पन्ने हैं। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि गैस करार सिर्फ किसानों के बारे में, किसानों के बारे में ही नहीं है, बहुत सारी दूसरी बातें भी इसमें। किसानों के अलावा 28 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे देश के जिनके ऊपर यह गैस करार लागू होता है। खेती और किसानों का इसमें एक अध्याय है, लेकिन इसके अलावा 27 और अध्याय हैं जो दूसरे तमाम क्षेत्रों पर लागू होते हैं। कपड़े के बारे में है इसमें, बीमा कंपनियों के बारे में है, बैंकों के बारे में है, सर्विसेज का पूरा सेक्टर है, ट्रिप्स का पूरा चैप्टर है, पेटेंट के बारे में है इसमें, बहुत सारे दूसरे विषयों के बारे में है, करीब 28 विषयों के बारे में इसमें है, उनमें से खेती और किसानों का एक विषय है सिर्फ इसमें। तो ये कहता क्या है और इस करार में लिखा हुआ क्या है, मैं आपको इसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं कि किस तरह का दस्तावेज है। गैस करार का जो सबसे पहला अध्याय है, उस सबसे पहले अध्याय का पेज नंबर 10 और पैराग्राफ नंबर 5 क्या लिखा है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं फिर उसकी हिंदी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इसमें लिखा हुआ है, नो रिजर्वेशन मे बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट, रिजर्वेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट मे ओनली बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेट आउट इन दिस एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इस गैस करार में जो कुछ लिखा गया है उस पर आप कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते, और अगर आप कुछ आपत्ति करना चाहें तो उतनी ही आपत्ति कर सकते हैं जो इसमें लिखा गया है।
इसको समझिए, नाक को ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे घुमा के पकड़ा जाए। ये गैट करार की भाषा कुछ इसी तरह की, पहले कह दिया कि इस गैट करार में जो कुछ भी लिखा गया है उस पर आप कुछ भी आपत्ति नहीं कर सकते। फिर दूसरी लाइन में ये कह दिया गया कि अगर आप आपत्ति करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही जितना इसमें लिखा हुआ है, माने इसके लिखे हुए के बाहर आप कुछ आपत्ति नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इसमें खेती और किसानों के बारे में जो कुछ कहा गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, वो बहुत ही खराब है, उससे बहुत ही बर्बादी होने वाली है देश की, और इसको निकाल दिया जाए, तो आप ये नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है। और इसी अध्याय का पैराग्राफ नंबर 4 वो क्या कहता है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कहता है। वो ये कहता है, ईच मेंबर शैल एंश्योर द कंफॉर्मिटी ऑफ इट्स लॉज regulations and administrative procedures with its obligations as provided in this agreement। माने हर देश को अपने कानून इस गैट करार में लिखे गए नियमों के आधार पर ही बनाने होंगे। माने अगर किसी देश में कोई ऐसा कानून है जो गैट करार के नियम का विरोधी है तो आपको अपना कानून बदलना पड़ेगा, गैट करार को कानून लागू करवाना पड़ेगा। ये दो बातें ही सिद्ध करती हैं कि ये कितना खतरनाक एग्रीमेंट है। एक तरफ तो पूरी दुनिया में ये चर्चा चलाई जाती है अमेरिका और यूरोप की तरफ से कि हम बहुत डेमोक्रेटिक देश हैं, हम बहुत प्रजातांत्रिक देश हैं, और दूसरी तरफ इतनी भी छूट नहीं देते कि इसमें लिखे गए किसी नियम पर आपत्ति की जाए और उसको बदलवाने की बात की जाए, इतनी भी छूट नहीं। तो अब इससे होगा क्या कि हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं, और गैट करार में अपने लिखे गए अलग अलग से नियम हैं, वो सारे नियम बदल दिए जाएंगे जो हमारे देश में है और गैट करार के विरोधी हैं। अब तक हमारे देश में क्या होता था कि कोई गैट करार हो या कोई दूसरा करार हो, देश के अंदर बनाया गया कोई भी नियम और कानून नहीं बदला जाएगा। अब तक हमारे देश में यह व्यवस्था थी, लेकिन गैट करार लागू होने के बाद व्यवस्था बिल्कुल उलट गई है। अब हमारे देश में कोई कानून और नियम पहले से बनाया गया हो और वो गैट करार विरोधी हो तो हमको वो नियम बदलना पड़ेगा, हमको वो कानून बदलना पड़ेगा। माने अब इस देश का कानून हमारी संसद में नहीं बनेगा, अब इस देश का कानून गैट करार के गैट के ऑफिस में बैठकर तय किया जाएगा। आप बताइए, हमने तो संसद चलाई है अपना कानून बनाने के लिए, हमने तो विधानसभाएं बनाई हैं अपना कानून बनाने के लिए, और हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं ही कानून नहीं बना सकेगी। गैट के आधार पर जो कानून बनकर आएगा उन्हीं को भारत में अगर लागू किया जाएगा तो इस संसद का मतलब क्या है, इन विधानसभाओं का मतलब क्या है। और इसी को कहते हैं कि जब किसी देश की संसद अपने कानून बनाने का अधिकार खो देती है, जब किसी देश की विधानसभाएं अपना कानून बनाने का अधिकार खो देती हैं, उसी को कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता खत्म हो गई है किसी देश को। किसी भी देश की राजनीतिक संप्रभुता के खत्म होने का मतलब एक ही होता है कि उस देश की सरकार, उस देश की संसद, उस देश की विधानसभाएं अपने कानून बनाने के अधिकार को खत्म कर दें, और वो गैट करार के बाद हो गया है। अब इसमें क्या होगा, खेती और किसानों के लिए मान लीजिए कुछ कानून इस देश में है वो सब बदलने पड़ेंगे अगर गैट करार विरोधी है। कपड़े उद्योग के बारे में इस देश में कुछ कानून है जो गैट करार विरोधी है वो भी बदलने पड़ेंगे। इस देश में दवा उद्योग से संबंधित अगर कुछ कानून ऐसे हैं जो गैट करार विरोधी हैं तो वो सब बदलने पड़ेंगे। माने हमको हमारे देश में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए कोई कानून अगर बनाना पड़े और वो कानून दुर्भाग्य से अगर गैट करार विरोधी हो तो वो कानून बदलना पड़ेगा, गैट करार का कानून लागू करना पड़ेगा। स्थिति क्या हो गई है, पहले हमारे देश का कानून अंग्रेज तय करते थे, अब हमारे देश का कानून गैट करार के आधार पर तय होगा। तो गुलामी के दिनों में जो हालत हमारी थी वही हालत अब आजादी के 50 साल हो गए। कानून कैसे कैसे हैं, किस किस तरह के नियम हैं, किसानों से और खेती से संबंधित जो कानून गैट करार में दिए गए हैं उन्हीं की चर्चा मैं आपसे करूंगा, क्योंकि ढेर सारी चर्चाएं करने के लिए ना तो वक्त है और ना आपके पास सुनने के लिए, क्योंकि 550 पन्ने का एग्रीमेंट है, अगर इसको सुनाना शुरू किया तो 10-15 दिन का व्याख्यान देना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ खेती और किसानों से संबंधित जो बातें इसमें हैं और जो सबसे खतरनाक बातें हैं उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात कहने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की बातें इसमें हैं। किसानों के लिए जो दस्तावेज इसमें दिया गया है उसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर।
खेती पर समझौता, और खेती पर समझौते के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में किस तरह के नियम है। जैसे हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है जो अब तक चलता रहा है और लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नियम बनाया था आप जानते हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो अमरीका से इस देश में लाल रंग का गेहूं आता। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं इस सभा में उनको याद हो, और अमरीका से लाल रंग का गेहूं आता था उसको कहते थे PL 480। तो PL 480 कानून के तहत अमरीका से लाल रंग का गेहूं भारत में भेजा जाता और वो गेहूं अमरीका में जानवर भी नहीं खाते। तो जिस गेहूं को अमेरिका के जानवर भी नहीं खाते थे वो गेहूं भारत के लोगों को खिलाया जाता, और ये समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये समझौता रद्द कर दिया, और लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कहना था कि जो गेहूं अमेरिका में जानवर भी ना खाएं वो गेहूं भारत के लोगों को खिलाया जाए तो ये देश के लोगों का सबसे बड़ा अपमान है। उस समय भारत में गेहूं की कुछ कमी, गेहूं का उत्पादन कुछ कम, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भले ही मेरे देश में गेहूं का उत्पादन कितना ही कम क्यों ना हो लेकिन मैं अपमानजनक शर्तों पर अमरीका से गेहूं नहीं खरीदूंगा, और उन्होंने गेहूं खरीदने का समझौता रद्द कर दिया। उसके बाद में शास्त्री जी के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ और तमाम तरह के लोगों ने शास्त्री जी को यह कहना शुरू कर दिया कि आप अमरीका से गेहूं नहीं खरीदेंगे, हिंदुस्तान के किसान भूखे मर जाएंगे, हिंदुस्तान के मजदूर भूखे मर जाएंगे। तो शास्त्री जी सबका एक ही जवाब देते थे कि गेहूं का उत्पादन अगर कम है तो हमको कमी में रहना सीखना होगा, अपमानजनक शर्तों पर हमें किसी का गेहूं खाना मंजूर नहीं। बहुत स्वाभिमानी आदमी थे शास्त्री। तो जब समझौता रद्द कर दिया तो एक दिन शास्त्री जी ने सारे देश के लोगों से एक अपील की। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी भारी जनसभा हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस जनसभा को संबोधित किया, और उस जनसभा में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जो देश के लोगों से, वो ये कि मैंने अमेरिका से लाल रंग का गेहूं खरीदना बंद कर दिया क्योंकि अपमानजनक शर्तों पर मुझे गेहूं लेना मंजूर नहीं। अब जिस देश में गेहूं की कमी होगी तो मैं सारे देश के लोगों से अपील करता हूं कि वो गेहूं खाना कम कर दें, और अगर संभव हो तो सप्ताह में एक दिन व्रत रखना शुरू कर दें। और देश के करोड़ों लोगों ने शास्त्री जी की इस अपील का स्वागत किया और हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। शास्त्री जी ने अपील की कि हमें सम्मान के साथ रहना है भले ही एक समय कम खाना पड़े, अपमान के साथ हमको किसी का कुछ भी नहीं लेना है। तो राष्ट्र के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जब करोड़ों लोगों से अपील की तो करोड़ों लोगों ने उस बात का स्वागत किया, और वो समय ऐसा समय था, अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था 1965 के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था आप जानते हैं कि युद्ध में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाती है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं सरकार, तो ऐसी स्थिति में भी शास्त्री जी ने अमेरिका से मदद लेना बंद करवा दिया, इतने स्वाभिमानी आदमी। और उसके बाद शास्त्री जी ने एक ऐसा नियम बना दिया था कि मैं देश में कोशिश करूंगा कि गेहूं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हमें परदेशों से गेहूं ना खरीदना पड़े, और भारत के किसानों का गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं चलाई, और उसका नतीजा यह निकला कि आज भारत गेहूं उत्पादन में पूरी तरह से स्वावलंबी है, हमको जितने गेहूं की जरूरत पड़ती है उतना गेहूं इस देश में पैदा होता है। ये लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बनाई गई योजना का परिणाम है। और शास्त्री जी ने जब यह योजना बनाई थी तो ध्यान रखिए उसके पीछे एक तर्क था कि हम परदेशी गेहूं नहीं खरीदेंगे, परदेशी अनाज नहीं खरीदेंगे, हमारे पास अगर अनाज की कमी है तो कम खाएंगे लेकिन परदेशों से बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, ये उनकी योजना थी। उस आधार पर भारत ने अन्न का उत्पादन बढ़ाया और आज इस देश में 20 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। आजादी जब मिली थी इस देश को सिर्फ 4.5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था, आज आजादी के 50 साल के बाद 20 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, 5 गुना उत्पादन इस देश के किसानों ने बढ़ाया, तो वो उस तरह की नीतियों का परिणाम था और आज हम स्वावलंबी। लेकिन अब क्या होगा, गैस करार लागू हो गया है और तब से हमको ये कानून अपना बदलना पड़ेगा, ये नियम बदलना पड़ेगा, और नियम कैसे बदलना पड़ेगा, गैस करार में खेती से संबंधित जो नियम दिए गए हैं उनमें एक ऐसा नियम है
जिसमें ये कहा गया है कि हर साल हमको जबरदस्ती बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा। हमें उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन जबरदस्ती हर साल हमको बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा और कैसे खरीदना पड़ेगा, उसके लिए जो नियम इसमें लिखा गया है गैट करार में, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में पेज नंबर 23 पर एनेक्सर नंबर 5 है, और उस एनेक्सर नंबर 5 में पैराग्राफ नंबर 5 है, जो ये बात कहता है कि हमारे जैसे देशों को जबरदस्ती हर साल बाहर से अनाज खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। वो कैसे कहता है, वेयर द स्पेशल ट्रीटमेंट इज नॉट टू बी कॉन्टिन्यूड एट द एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, द मेंबर कंसर्न शैल इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 6 बिलो इन सच अ केस आफ्टर द एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड द मिनिमम एक्सेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट शैल बी मेंटेन्ड एट द लेवल ऑफ 8% ऑफ करस्पॉन्डिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन इन द बेस पीरियड इन द शेड्यूल्ड ऑफ द मेंबर कंसर्न। यह अंग्रेजी में लिखा गया नियम है, इसकी हिंदी का मतलब क्या, हर देश को उसमें एक बेस पीरियड दिया हुआ है। जो बेस पीरियड इस नियम में दिया गया है वो 1986 से 1988 के साल का है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया, इसका मतलब यह है कि 1986 से 1988 के बीच में भारत के लोगों ने जितने खाद्यान्न का उपयोग किया, जितना अनाज खाया 1986 से 88 के साल में, उस अनाज का 8% हर साल हमको बाहर से खरीदना ही पड़ेगा। मतलब क्या है इसका, 1986 से 1988 के साल में भारत के लोगों ने जो अनाज खाया था कुल मिलाकर वो था लगभग 24-25 करोड़ टन। तो 24-25 करोड़ टन जो हमने कुल अनाज खाया, उस अनाज का 8% हर साल हमको विदेशों से खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। अभी जैसे मान लीजिए हमारे यहां गेहूं की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए, लेकिन खरीदना पड़ेगा। हमको शक्कर की जरूरत नहीं है विदेशों से खरीदने के लिए, लेकिन खरीदनी पड़ेगी। हमको तुअर की दाल विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं है अगर, लेकिन खरीदनी पड़ेगी, जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। और ये नियम हमारे देश पर कितने खतरनाक तरीके से लागू होगा, क्योंकि भारत की आबादी 98 करोड़ है, इसलिए हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज्यादा, हमारे यहां लोग ज्यादा है, हमारे यहां जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हमारे यहां अनाज का उपयोग भी बहुत ज्यादा है। और जिन देशों में जनसंख्या बहुत कम है, जिन देशों में लोग बहुत कम है, वहां पर अनाज का उपयोग भी बहुत कम है, तो उन देशों के लिए तो यह नियम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा उनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, गैट में जितने देश मेंबर हैं उन सभी देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, लेकिन चीन गैट का मेंबर नहीं है, तो चीन पर यह नियम लागू नहीं होता। भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है इस समय गेट के देशों में, तो भारत के ऊपर जब यह नियम लागू होगा तो पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा इस देश का। तो हर साल हमको करीब करीब 8% अन्न खरीदना ही पड़ेगा, तो यह कितना बैठेगा। और फिर इस नियम में एक चीज और जोड़ी गई है कि हर साल हमको यह जो बाहर से खरीदने वाला अन्न है, इसमें 0.8% की बढ़ोतरी करती रहनी होगी हर साल। 8% तो खरीदना ही है 1986 से 88 के बीच में, जो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका, और हर साल इसमें 0.8% की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो लगभग सन 1999 तक आते आते क्या स्थिति होगी, सन 1999 तक आते आते हमको हर साल 2 करोड़ टन अनाज बाहर से खरीदना ही पड़ेगा, चाहे उसकी हमको जरूरत हो या ना हो। अब आप जानते हैं कि जबरदस्ती अगर बाहर से अनाज हमने खरीदा, हमारी सरकार ने खरीदा, और देश में भी अनाज है काफी, तो क्या होगा उसका, बाहर से जो अनाज आएगा वो देश के अंदर पैदा किए गए अनाज का दाम बुरी तरह से गिराएगा, यही तो होगा।
आप जानते हैं जब भी समाज में उपभोग से ज्यादा सप्लाई हो जाए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाए, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा माल आ जाए बाजार में, तो निश्चित रूप से सामान की कीमतें गिर जाती हैं। तो भारत में जरूरत नहीं है जिस अनाज की, वो अनाज अगर आ जाएगा जबरदस्ती तो कीमतें गिरेंगी, और अनाज की कीमतें गिरेंगी तो नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा। और ये काम शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया है? इस साल आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी, भारत सरकार ने 15 लाख टन परदेशी गेहूं खरीदा है अभी कुछ दिन पहले। क्यों खरीदा? गैट करार का नियम। जरूरत नहीं थी हमको इस साल गेहूं खरीदने की, लेकिन भारत सरकार ने खरीदा। और किस भाव में खरीदा? इस साल हमारे देश के किसान सरकार को बोलते थे कि 700 रुपए क्विंटल में हम आपको गेहूं बेचेंगे, आप हमको 700 रुपए क्विंटल का गेहूं का भाव दे दो। मैंने आपको बताया किसान खुद भाव नहीं तय कर पाता, सरकार तय करती। जो पैदा करता है वही भाव तय नहीं करता, और जो कभी हल नहीं चलाता, जिसने कभी हल नहीं चलाया वो भाव पैदा करता है, वो भाव तय करता है गेहूं। जिसने कभी खेती नहीं की वो खेती से पैदा होने वाले सामानों का दाम तय करता है दिल्ली में बैठ के, और जो रोज खेती करता है उसी को अधिकार नहीं है खेती का दाम तय करने का, खेती के अन्न का दाम तय करने का। तो किसानों ने कहा भारत सरकार को कि इस साल हमको गेहूं बेचने का अधिकार दे दो 700 रुपए क्विंटल। भारत सरकार ने नहीं दिया। झगड़ा हुआ किसानों के साथ भारत सरकार का, तो सरकार ने माना 650 रुपए क्विंटल। सरकार ने कहा कि 650 रुपए क्विंटल से ज्यादा भाव नहीं दे सकते गेहूं का, और भारत के किसानों को कह दिया गया कि आप 650 रुपए क्विंटल में गेहूं बेचिए। और जिन सरकारों ने भारत के किसानों का गेहूं 650 रुपए क्विंटल में बिकवाया, उसी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा 850 रुपए क्विंटल। माने भारत के किसान मांग रहे थे 700 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम, तो नहीं दिया सरकार ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से गेहूं खरीद लिया सरकार ने 850 रुपए क्विंटल। माने परदेशी किसानों का गेहूं तो 800 रुपए 50 रुपए क्विंटल 850 रुपए क्विंटल खरीद सकते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों का गेहूं 700 रुपए क्विंटल में भी नहीं खरीदते। आप सोचिए ये कैसी सरकार है? हम कैसे कहें कि ये हमारे राष्ट्र की सरकार है, ये हमारी सरकार है? हमारे किसानों का गेहूं तो नहीं खरीदते 700 रुपए क्विंटल में, परदेशी किसानों से खरीदते हैं 850 रुपए क्विंटल में, तो ये सरकार हमारी है या परदेशियों की? और इसी तरह से आप जानते हैं कि पिछली साल भारत सरकार ने चीनी खरीदी थी 10 लाख टन परदेशों से, तो चीनी खरीदी जा रही है 10 लाख टन परदेशों से, गेहूं खरीद लिया 15 लाख टन परदेशों से। अभी जो गेहूं आ गया है 15 लाख टन, उसको रखने की जगह नहीं है पूरे देश में, क्योंकि जहां गेहूं रखा जा सकता है वो भंडार पहले से ही भरे पड़े। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स कहते हैं कि हमारा ही गेहूं इतना पैदा हुआ है इस साल देश में कि उसी को रखने की जगह नहीं है, ये परदेशों से 15 लाख टन और आ गया, इसको रखें कहां? तो हो सकता है किसी दिन पड़े पड़े सड़ जाए वो पूरा का पूरा गेहूं, लेकिन सरकार ने पैसा दे दिया है डॉलर में गेहूं खरीद कर। ऐसे सत्यानाश हो रहा है इस गेट करा के। और ऐसे ही शक्कर खरीद ली गई 10 लाख टन परदेशों से। जिस समय भारत सरकार शक्कर खरीद रही थी परदेशों से, उस समय ऐसी स्थिति थी कि थोड़ा शक्कर के दाम बढ़ते अगर तो किसानों को थोड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन उसी समय परदेशी शक्कर खरीद कर दाम गिराए शक्कर के, और किसानों को सीधे नुकसान हो गया उसका। तो अभी शक्कर खरीदी गई है, गेहूं खरीदा गया है, अब तुअर की दाल भी खरीदी जाएगी, चावल भी खरीदा जाएगा, चना भी खरीदा जाएगा, मटर भी खरीदी जाएगी, बाजरी भी खरीदी जाएगी, ज्वारी भी परदेशों से आएगी, मक्का भी परदेशों से आएगी। माने जो कुछ भारत का किसान पैदा करता है वो सब परदेशों से आकर बिकना चालू हो जाएगा इस देश में। तो जरा सोचिए क्या होगा इस देश के किसानों का। हमारे यहां अब तक तो परदेशी कंपनियों की लिपस्टिक बिकती है, नेल पॉलिश बिकती है, उनका साबुन बिकता है, उनकी क्रीम बिकती है, उनका पाउडर बिकता है, उनके कपड़े बिकते हैं, उनके जूते बिकते हैं, उनकी चप्पल बिकती है, और हिंदुस्तान के लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं क्योंकि इंपोर्टेड माल है। सबके मन में लार टपकती है कि इंपोर्टेड माल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अब कल को इंपोर्टेड गेहूं भी बिकना चालू हो जाएगा, इंपोर्टेड शक्कर भी बिकना चालू हो जाएगी, इंपोर्टेड तुअर की दाल भी आ जाएगी, इंपोर्टेड चना भी आ जाएगा इस देश में, तो हिंदुस्तान के लोग तो लाइन लगाकर इंपोर्टेड गेहूं खरीदेंगे।
अब तक वो कहते थे कि अब तक हमको इम्पोर्टेड पेन मिलता था, इम्पोर्टेड पेंसिल मिलती थी, इम्पोर्टेड कार मिलती थी, अब इम्पोर्टेड गेहूं भी मिलेगा, अब इम्पोर्टेड चावल भी मिलेगा, अब इम्पोर्टेड शक्कर भी मिलेगी। और अगर इस देश के लोग इम्पोर्टेड ही खरीदेंगे तो फिर इस देश के किसान का कौन खरीदेगा? और इस देश के किसान का नहीं खरीदेगा तो किसान तो मरेगा। और मैंने आपको बताया कि 45 करोड़ किसान इस देश में बहुत छोटे किसान हैं, उनकी हालत तो बुरी तरह से खराब होने वाली है। और इसी तरह से इस गैट करार में एक और ऐसा नियम है कि हमारे देश के किसानों को जो थोड़ी बहुत सब्सिडी दी जाती है उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में करीब 24% कटौती करनी पड़ेगी। और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में 24% कटौती करीब करीब हो भी चुकी, उसका नतीजा क्या निकला है? किसानों को जो डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, दो तरह की सब्सिडी दी जाती है किसानों को, एक तो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है, एक डायरेक्ट सब्सिडी होती है। तो डायरेक्ट सब्सिडी जब खत्म कर दी सरकार ने तो खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, पानी का दाम बढ़ गया, केमिकल पेस्टिसाइड का दाम बढ़ गया, इंसेक्टिसाइड का दाम बढ़ गया, इन सबके दाम बढ़ गए। और इन सबके दाम बढ़ गए माने खेती महंगी हो गई। और दुर्भाग्य दूसरा क्या है कि गांव का किसान खेती महंगी करे, माल बाजार में बेचने के लिए जाए तो परदेशी माल आ जाए, दाम गिर जाए नीचे, तो किसान को दोहरा नुकसान। तो जो नियम कभी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चलाए थे, जो नियम कभी अंग्रेजों के जमाने में चलाए गए थे, उसी तरह के नियम अब इस देश में गैट करार के माध्यम से चलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ चीजों में हमको फायदा हो जाएगा, जैसे एक्सपोर्ट की सब्सिडी में कटौती हो जाएगी, बहुत सारे देश जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी देते हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो भारत के किसान के पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेगा। जैसे हमारे किसान को सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि कपास हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकेंगे, कॉटन हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर दूसरे देशों में कॉटन की खत्म होती है तो हमारा कॉटन सस्ता हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। लेकिन अमरीकियों ने और यूरोपियन लोगों ने चतुराई से, यूरोप के लोगों ने, अमरीकी लोगों ने चतुराई के साथ व्यवस्था ये की है कि हमारे देश का कपास उनके देश में बिकने ना पाए उसके लिए अलग कानून बना रखी। जहां हमको थोड़ा फायदा हो सकता था इस गैट करार के माध्यम से, हम हमारा कपास दूसरे देशों में ज्यादा बेच सकते थे, थोड़ा दाम लेके आ सकते थे, भारत के किसानों को मदद हो सकती थी, लेकिन वही कपास भारत की यूरोप में ज्यादा बिक नहीं सकती, अमेरिका में ज्यादा बिक नहीं सकती, क्योंकि उस पर उन्होंने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के कानून लगा रखे, कोटा फिक्स कर रखा। भारत का कपास एक निश्चित मात्रा में ही बिकता है अमेरिका में, उससे ज्यादा बिक नहीं सकता। इसी तरह से भारत का कपास यूरोप में एक निश्चित मात्रा में ही बिकता है, उससे ज्यादा कभी बिक नहीं सकता। तो भारत का कपास जो बिक सकता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा मात्रा में, वो बिक नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है, इससे ज्यादा कपास हम बेच नहीं सकते अपना उनके बाजार में, और उनके माल हमारे बाजार में भर जाएंगे, क्योंकि इस तरह के कानून है, हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, तो हमारा माल तो वो खरीदेंगे नहीं और हमारा माल तो वहां बिक नहीं पाएगा ठीक से, और उनका माल जबरदस्ती हम खरीदते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से निर्यात की आमदनी हमारी कम होगी, आयात के खर्चे बढ़ जाएंगे, और निर्यात की आमदनी कम, आयात के खर्चे बढ़ेंगे, तो व्यापार का घाटा बढ़ेगा, व्यापार का घाटा बढ़ेगा तो सरकारें दुष्चक्र में फंसेंगी परदेशी कर्ज लेने के, और परदेशी कर्जे के दुष्चक्र में फंसेंगे तो परदेशी कर्जे का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, और वही दुष्चक्र इस अर्थव्यवस्था का किसानों के ऊपर भी चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे नुकसान इस देश के किसानों को होने वाले, और ये नुकसान शुरू हो गए गैट करार के लागू होने। इसी तरह का एक भयंकर नुकसान और हो जाएगा इस देश के किसानों को, जो इससे भी भयंकर नुकसान इस देश को किसान को होने वाला है गैट करार के माध्यम से, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हमारे देश में अभी तक एक ऐसा नियम है कि किसान बीज बनाने का अधिकार अपने पास रख सकता, और इस देश का किसान बीज से बीज बनाता। आप मान लीजिए गेहूं की फसल लगाते हैं, तो गेहूं की फसल लगाने के लिए आप बीज डालते हैं, तो गेहूं की फसल लगती, उस फसल का एक हिस्सा आप बाजार में जाकर बेच आते, एक हिस्सा खाने के लिए रखते हैं, और एक हिस्सा बीज के रूप में सुरक्षित रखते हैं, और अगले साल आपको फिर बीज मिल जाता है। माने एक बीज लगाया आपने तो उसी बीज से दूसरा बीज बना, फिर उसी बीज से तीसरा बीज बना, बीज से बीज बनता रहता है, और किसान सीड मल्टीप्लीकेशन करता रहता है। माने हर बार किसान को नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था है इस देश में इस समय। और एक नियम और भी है हमारे देश में,
कि बीज जैसी चीज पर किसी का पेटेंट नहीं होता भारत में। हमारे यहां 1970 में एक ऐसा पेटेंट कानून बनाया गया है जिस पेटेंट कानून में एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित बहुत सारी चीजों पर पेटेंट नहीं होता, बीज पर नहीं होता, बीज बनाने के तरीके पर नहीं होता, हमारे यहां खाद पर नहीं होता, खाद बनाने के तरीके पर नहीं होता, खाद बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता, हल बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता, हल पर पेटेंट नहीं होता, माने किसानों के इस्तेमाल आने वाली जितनी चीजें हैं उन पर पेटेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि किसानों को उससे मुनाफा हो, उससे फायदा हो। पेटेंट होने से क्या नुकसान होता है? मान लीजिए किसी कंपनी का कोई बीज है और उस कंपनी का उस बीज पर पेटेंट है, तो सिर्फ वही कंपनी बीज बनाकर बेच सकती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती उस बीज को। आने वाली जितनी चीजें हैं उन पर पेटेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि किसानों को उससे मुनाफा हो, उससे फायदा हो। पेटेंट होने से क्या नुकसान होता है? मान लीजिए किसी कंपनी का कोई बीज है और उस कंपनी का उस बीज पर पेटेंट है, तो सिर्फ वही कंपनी बीज बनाकर बेच सकती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती उस बीज को। तो मान लीजिए, आए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि हमारे यहां गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है RR21, और RR21 किस्म की गेहूं जो हम हमारे देश में किसानों के द्वारा पैदा करवाते हैं, कल को मान लीजिए पेटेंट कानून ऐसा बन जाए कि बीज पर भी पेटेंट मिलना शुरू हो जाए, और मान लीजिए किसी परदेशी कंपनी ने या किसी स्वदेशी कंपनी ने ही RR21 नाम के गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट ले लिया, तो सिर्फ वही कंपनी को RR21 बीज बेचने का अधिकार होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। अभी क्या है, आप खुद चाहें तो RR21 बीज से बीज बनाकर बेच सकते हैं बाजार, और किसान बीज का व्यापार कर सकता, और हजारों साल से इस देश में किसान बीज का व्यापार करता आया, ये उसका अधिकार, नेचुरल राइट है ये उसका। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जो किसान खेती को लगातार परिष्कृत करता है, जो किसान खेती को लगातार उन्नत बनाता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने बीज से बीज बनाकर बेच सकता है, किसी दूसरे के साथ बीज का बदलाव कर सकता है। अक्सर किसान एक बीज दूसरे को देते हैं, दूसरे से एक बीज ले लेते हैं, इस तरह का बदलाव पूरे देश में चलता है, वो सब अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैर करार का नियम ऐसा कहता है कि बीज पर भी पेटेंट देना होगा और खेती से जुड़ी हुई कोई भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट होगा। हिंदुस्तान में अभी तक जो खेती से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं दिया गया, अब हिंदुस्तान में खेती से जुड़ी हुई हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना होगा। क्या बोलता है गैट करार इसके बारे में? गैट करार का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एग्रीमेंट है जिसके बारे में ये पेटेंट की बात कही गई है, तो पेज नंबर गैट करार का 342 और आर्टिकल नंबर 27 पैराग्राफ नंबर 1 ये क्या बोलता, पहले मैं अंग्रेजी में बताऊंगा फिर उसकी हिंदी बताऊंगा इसका मतलब क्या। Subject to the provisions of paragraph 2 and 3 below, patent shall be available for any inventions, whether product or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step, and are capable of industrial application. फिर उसके बाद, subject to the paragraph 4 of article 65 and paragraph 8 of article 70, and paragraph 3 of this article, patent shall be available and patent rights enjoyable without any discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में किसी भी वस्तु की किसी भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट का अधिकार देना पड़ेगा, और पेटेंट का अधिकार देते समय भारत सरकार इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखेगी कि यह वस्तु किस देश में बनाई गई है, यह वस्तु यह टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित हुई है। माने अमेरिका में मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बनती है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता है। यूरोप के किसी भी देश में कोई टेक्नोलॉजी बनती है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता है। अब तक हमारे देश में क्या होता है,
जिस देश में टेक्नोलॉजी बनती है या विकसित होती है पेटेंट उसी देश में मिलता है, लेकिन अब इस गैट करार के बाद दुनिया के किसी भी देश में कहीं कोई टेक्नोलॉजी बने उस पर पेटेंट आपको भारत में देना ही पड़ेगा। और हर वस्तु पर, हर प्रक्रिया पर, हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना पड़ेगा। माने जो बीज का क्षेत्र हमारा बचा हुआ था पेटेंट से, खेती का क्षेत्र जो बचा हुआ था पेटेंट से, वो भी अब पूरी तरह से पेटेंट के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा, मैंने आपको बताया, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो किसानों को होगा कि जिस बीज को वो बना सकते हैं और बेच सकते हैं बाजार में, मुनाफा कमा सकते हैं, धंधा कर सकते हैं बीज बेचने का, वो धंधा उनका एक झटके में बंद हो जाएगा जब परदेशी कंपनियों को उस बीज पर पेटेंट मिल जाएगा। और आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा परदेशी कंपनियां हैं जो पेटेंट लेकर बैठी हुई हैं हमारे देश में। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि हमारे देश का नीम और नीम से बनने वाली हमारे देश में सैकड़ों किस्म की दवाएं हैं, लेकिन उन पर पेटेंट अमरीका में हो गया। बासमती नाम का चावल हमारे देश में पैदा होता लेकिन उस पर पेटेंट अमरीका में हो गया। तुलसी हमारे देश में होती है और उस पर पेटेंट अमरीका में हो रहा। अदरक हमारे देश में होता, पेटेंट उस पर अमरीका में है। मरी काली मिर्च हमारे देश में होती है और उस काली मिर्च के ढेर सारे प्रोसेस पर पेटेंट अमरीका में। माने हमारे देश में जो बीज बनते हैं उन पर भी पेटेंट अमरीका में हो रहा है। हमारे देश में जो आयुर्वेद की अच्छी अच्छी दवाएं मानी जाती हैं, जैसे तुलसी, जैसे अदरक, जैसे काली मिर्च, उन पर भी पेटेंट अमरीका में हो रहा। और इस तरह की खबरें आप पढ़ते होंगे कि नीम पर पेटेंट ले लिया अमरीका की कंपनी ने, बासमती पर पेटेंट ले लिया अमरीका की कंपनी ने, हमारे देश की अदरक और तुलसी के प्रोसेस पर पेटेंट ले लिया अमरीका की कंपनी ने, और तो और हमारी हल्दी पर पेटेंट करवा लिया था उन्होंने। वो तो मुकदमा किया अमरीका के कोर्ट में और हम लोग जीत गए। और हम जीत क्यों गए, क्योंकि अभी ये जो गैट करार वाला कानून है वो भारत में लागू नहीं है। अगर ये कानून लागू हो जाता भारत में तो हल्दी वाला पेटेंट का केस हम कभी भी नहीं जीत पाते, क्योंकि हल्दी पेटेंटेबल आइटम हो जाती थी और हम उस केस को जीत नहीं पाते। तो अभी हमारे देश में जो पेटेंट का कानून है 1970 का बनाया हुआ, वो पूरी तरह से हमको बदलना पड़ेगा। और वो कानून अगर बदला तो हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि वो बीज से बीज बनाकर बेच नहीं सकेगा और उससे मुनाफा नहीं कमा सकेगा। अब तक जो किसान करता रहा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तब आप पूछेंगे इसका और नुकसान क्या हो सकता है। आपको मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि जब परदेशी कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में और बड़ी बड़ी अधिक कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में पूरा बीज आ जाएगा, तो ये कंपनियां इस तरह की बदमाशी करने जा रही हैं कि वो ऐसा बीज बनाएंगी जिससे सिर्फ एक बार फसल होगी, दूसरी बार फसल ही नहीं होगी। उस बीज को अंग्रेजी में कहा जाता है टर्मिनेटर सीड। टर्मिनेटर सीड का माने ऐसा बीज जिसको आप एक बार खेत में लगाइए, उससे फसल ले लीजिए, फिर दोबारा अगर आपने उस फसल को बीज के रूप में इस्तेमाल किया तो वो कभी नहीं होगी, फसल ही चौपट हो जाएगी। और टर्मिनेटर सीड इतना खतरनाक बीज है कि वो जिस खेत में लगा दिया जाए आजू बाजू के बहुत सारे खेतों को अपने आप बर्बाद कर देगा। आप जानते हैं कि कई बार विदेशों से बीज आते हैं तो उन बीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती। हमारे यहां जब परदेशी बीज आया था एक बार, तो उस परदेशी बीज के साथ साथ कांग्रेसी घास घुस गई इस देश और गांव गांव में फैल गई है वो कांग्रेसी घास। और सब सब किसान परेशान है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। और अब ऐसे ही बीज आएंगे जिनके साथ ये सब सत्यानाशी बीमारियां आएंगी, तो हमारे पास ये अधिकार भी नहीं है। और इतना बड़ा नुकसान किसानों का होने जा रहा, और ये परदेशी कंपनियों की चाल और साजिश है कि भारत में बीज के बाजार पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण हो जाए। और आपको मैं एक तीसरी बात और बता दूं इसी के साथ साथ जुड़ी हुई, कि पेटेंट ये कितने साल के लिए दिया जाएगा। मान लीजिए किसी बीज पर किसी परदेशी कंपनी का पेटेंट है तो वो कितने साल के लिए होगा, तो इसमें जो एक प्रोविजन है पेज नंबर 346 और पैराग्राफ नंबर 31, पैराग्राफ नंबर 31 का आखिरी लाइन है जो बताता है, क्या बताता है, द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल शैल नॉट एंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स काउंटेड फ्रॉम द फाइलिंग डेट। माने किसी कंपनी को जिस दिन पेटेंट मिला उससे लगातार 20 साल तक उस कंपनी का पेटेंट अधिकार होगा। माने किसी एक कंपनी को मान लीजिए आर आर 21
गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट मिल गया तो पूरे 20 साल तक उस कंपनी को ही अधिकार होगा RR21 बीज बनाकर बेचने का, बाकी किसी को नहीं होगा 20 साल तक। आप सोचिए 20 साल में तो एक पीढ़ी जवान होकर खत्म हो जाती है, एक पीढ़ी चली जाती है, गुजर जाती है, और पूरी की पूरी पीढ़ी किसान बर्बाद रहेगा। फिर आप कह सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राजीव भाई हम भी तो पेटेंट करा सकते हैं, हिंदुस्तान का 45 करोड़ किसान तो गरीबी की रेखा के नीचे जीता है, वो पेटेंट एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा, लाखों डॉलर से ये पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने कहां से लाएगा वो जीता, रोज दो समय की रोटी खाने की तो उसको मुश्किल हो जाती है, वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए $5 लाख चाहिए कहां से लाएगा, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही करने वाली, और बीज पर पूरी तरह से बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा, हमारे बाजार में परदेशी अनाज बिकना शुरू हो जाएगा, किसानों को मिलने वाली जो छोटी मोटी सब्सिडी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो आप सोचिए खेती तो और सत्यानाश हो जाए, किसान तो और बर्बाद हो जाए। इसलिए हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की मदद से और आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस गैट करार का, इस तरह के पेटेंट कानून का, ये जो WTO का एग्रीमेंट है, इसका पूरी ताकत से विरोध करना शुरू किया है। जब से ये शुरू हुआ तभी से हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। अब इसमें से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, राजीव भाई इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? अभी सरकारों ने तो ये कर दिया है करार, अब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? हमारी खेती जो बर्बाद हो रही है, ये बर्बाद तो हो ही रही है, अब इस खेती को सुधारने का कोई रास्ता है क्या? हाँ है, बाहर निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता इसी गैट करार में लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है, इसी गैट करार का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, उसी चैप्टर में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। बहुत बार ये चर्चा होती है पूरे देश में कि अब क्या करें, हम तो गैट करार में फंस गए हैं, सरकार ने तो समझौता कर लिया है, अब हम इसको रद्द नहीं कर सकते, इसमें से बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल साफ साफ गैट करार में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार इस गैट करार के समझौते को रद्द कर सकती है और कोई भी सरकार इस गैट करार में से बाहर निकल सकती है। कैसे? इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 15 माने 15 पेज नंबर 9 और पहला अध्याय गैट करार का, वो क्या कहता है, एनी मेंबर मे विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, कोई भी देश इसमें से बाहर निकल सकता, माने कोई भी देश इसको रद्द करवा सकता अपने लिए कम से कम। कैसे? उसमें आगे की लाइन लिखी गई है, सच विड्रॉल शैल अप्लाई बोथ टू दिस एग्रीमेंट एंड द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट and shall take effect upon the expiration of 6 months from the date on which written notice of withdrawal is received by the director general of WTO। माने क्या है, कोई भी देश गैट करार में से बाहर आ सकता है। कैसे? एक एप्लीकेशन देगा, गैट का जहां हेड ऑफिस है वो जगह है जिनीवा, तो गैट के हेड ऑफिस में जो इनका सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, तो डायरेक्टर जनरल जो WTO का है उसको ये एप्लीकेशन दिया जाएगा कि हम इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जिस डेट को हमारा एप्लीकेशन वहां पर रिसीव किया जाएगा, लिया जाएगा, उसी डेट से लेकर अगले 6 महीने के बाद हम अपने आप इसमें से बाहर निकल आएंगे। माने कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें से बाहर निकलने। कई बार देश के नेता हमको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं कि एक बार एग्रीमेंट हो गया है तो अब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं यही कहने आया हूं आपको कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता है और बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि इसमें से कोई भी सरकार बाहर निकल सकती है। तो यही काम अब हम लोगों ने शुरू किया है कि हम भारत सरकार को दबाव डाल रहे हैं कि वो इस गैट एग्रीमेंट में से बाहर निकले, और इसी के लिए हम लोग 1 करोड़ लोगों से स्वाक्षरी ले रहे हैं जिसके पेपर्स आपको दिए गए हैं। 1 करोड़ लोगों से स्वाक्षरी लेकर सरकार पर हम यही दबाव डालने वाले हैं कि या तो आप गैट करार में से बाहर निकलो और नहीं तो गैट करार की शर्तों को बदलवाओ। इन शर्तों पर हमको गैट करार मंजूर नहीं है क्योंकि देश को बहुत नुकसान है। आप पूछेंगे अगर सरकार बाहर निकल आई तब क्या होगा, तो उसका एक तीसरा रास्ता है,
कि मान लीजिए भारत सरकार इसको रद्द करे और इसमें से बाहर निकल आए। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश जो हमारे ही जैसे हैं, जिनको बहुत नुकसान हो रहा है गैस करार से, जैसे ब्राजील है, जैसे मैक्सिको है, जैसे चिली है, जैसे अर्जेंटीना है, जैसे हमारे साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में नाइजीरिया है, अफ्रीका में जाम्बिया है, इजिप्ट नाम का देश है, ऐसे तमाम देश हैं जिनको गैस करार से बहुत नुकसान हो रहा है। और बहुत बार उन देशों के प्रतिनिधि कहते रहते हैं, मलेशिया नाम का एक देश है, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर महाथिर मोहम्मद, वो तो कई बार कह चुके हैं कि ये गैस करार गरीब देशों के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए सब गरीब देशों को इसमें से बाहर निकल आना चाहिए। तो एक रास्ता और है, वो रास्ता ये है कि अगर भारत सरकार इसमें से बाहर निकले तो उन सभी देशों को बाहर निकलने के लिए रास्ता खुल जाएगा जो इसमें फंस गए हैं। और वो सब देश भी अगर इसमें से बाहर निकल आए तो ये गेट नाम की संस्था ही रद्द हो जाएगी, ये डूब जाएगी, बाढ़ में चली जाएगी और हम सबकी जान बच जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो देश इसमें से बाहर निकलेंगे उन सब देशों के साथ मिलकर फिर से कोई एक नया एग्रीमेंट हम कर सकते हैं जो हमारे देश के हित के अनुकूल हो, उन देशों के भी हित के अनुकूल हो, हमारे किसानों के फायदे में हो, हमारे उद्योगपतियों के फायदे में हो, दूसरे देशों के भी किसानों के फायदे में हो, उनके भी उद्योगपतियों के फायदे में हो, एक नया एग्रीमेंट फिर कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट कभी अंग्रेजों ने किया था अमरीकियों के साथ मिलकर, तो जरूरी तो नहीं है कि वही परमानेंट हो गया, अभी कोई दूसरा एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो हम लोग दो ही बातें सरकार को कह रहे हैं, या तो आप इसमें से बाहर निकलो, और बाहर निकलो तो दूसरे तमाम देशों को बाहर निकालने का रास्ता बताओ और एक नया एग्रीमेंट साइन करो सभी देशों के साथ मिलकर, या इस गेट एग्रीमेंट की शर्तों को बदलवाओ, क्योंकि ये शर्तें देश के हित में नहीं है, ना किसानों के हित में है, ना उद्योगों के हित में है, ना व्यापारियों के हित में है, किसी के हित में नहीं। और जानते हैं हम कि सरकार इसको सुनेगी, और सरकार ने अगर नहीं सुना, 1 करोड़ लोगों की स्वाक्षरी करा के जो हम देने वाले हैं सरकार को, अगर उसने बात ये नहीं मानी तो मैंने कल आपसे कहा था कि हम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और हमारी पिटीशन गैस के बारे में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, और हम सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम ये सिद्ध करेंगे कि ये गैस करार नाम का पूरा जो दस्तावेज है वो संविधान विरोधी है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी सरकार संविधान विरोधी एक भी काम नहीं कर सकती, कोई भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान विरोधी कोई समझौता कर सके। और ये संविधान विरोधी कैसे है, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अब तक एक गोल्डन रूल चलता रहा है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून देश के कानूनों के हित के खिलाफ है तो देश का कानून जिंदा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत में नहीं लागू होगा। लेकिन अभी गैस करार लागू होने के बाद क्या होने जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होगा, हमारे देश का कानून जिंदा नहीं रहेगा। तो इसका माने कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ये एग्रीमेंट, और इसके होने के बाद हमारे देश की सरकारों के कानून बनाने के अधिकार खत्म होते हैं। केंद्र सरकार जो कानून बना सकती है वो अधिकार खत्म होते हैं, राज्य सरकारें विधानसभा में जो कानून बना सकती हैं उसके अधिकार खत्म होते हैं, और केंद्र और राज्य सरकारों के कानून बनाने के अधिकार अगर खत्म होते हैं तो हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी खत्म होती है, राजनीतिक संप्रभुता खत्म होती है, और संविधान में राजनीतिक संप्रभुता का बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरी बात जो हम कहने वाले हैं कि हमारे यहां संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई है, राज्य के और केंद्र के संबंध जो है वो फेडरलिज्म के आधार पर है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, केंद्र कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है जिससे राज्य पर प्रभाव पड़ता है तो केंद्र पहले राज्य सरकार को पूछेगा, और राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है जिसका अधिकार क्षेत्र केंद्र के पास है तो राज्य सरकार केंद्र से पूछती है। माने बिना केंद्र सरकार राज्य को पूछे और बिना राज्य सरकार केंद्र को पूछे इस तरह के कानून नहीं बना सकते। लेकिन गैस करार लागू होने के बाद ये नहीं होने वाला, गैस करार के बाद तो ये हालत हो जाएगी कि सरकार सोच भी नहीं पाएगी किसी कानून के बारे में, वो विदेशों से बनकर आ जाएगा, गैस के ऑफिस से बनकर आ जाएगा और भारत में लागू हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है, संविधान विरोधी ये दस्तावेज है, इसलिए इसको रद्द करना ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बड़ी भयंकर सुनवाई होगी, क्योंकि ये सुनवाई कम से कम 7 जजों की बेंच के पास जाएगी, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ेगी, तब जाकर इस पर सुनवाई होगी। और उस पूरी सुनवाई को शुरू करवाने के पहले हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम गैट करार का विरोध क्यों कर रहे हैं, हम WTO के एग्रीमेंट का विरोध क्यों कर रहे हैं, उससे देश को क्या नुकसान है।
और यही बात मैं आपको समझाना चाहता। अब इस पूरी प्रक्रिया में से बाहर निकलना है हमारे अपने देश को, तो मुझे लगता है कि हमको गैर करार रद्द करवाना पड़ेगा।